नमस्कार, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं News 24x7 एंटरटेनमेंट। अभी जो आपको स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहे हैं, इनका नाम है स्वरुचिस सोमवंशी। ये साहब मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि कलेक्टर। और इन साहब ने जो किया है वो आपको जानना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को सोमवंशी साहब के कारनामे के बारे में बताते हैं। इनसे आपको सीखना भी चाहिए, और आजकल के इस दौर में जब तरह तरह के न्यूज से मीडिया चैनल्स भरे हुए हैं, तो सोमवंशी साहब का काम एक ऐसा काम है जो सबके बीच उजागर होना चाहिए। तो पहले काम पर बात कर लेते हैं। साहब उमरिया जिले के डीएम है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और साहब पोषण पुनर्वास केंद्र पर गए थे। पोषण पुनर्वास एक ऐसा केंद्र है जहां पर कुपोषित बच्चों का इलाज होता है, जो बच्चे सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं या जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं वहां पे इनका इलाज होता है। यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्र में ये डीएम साहब विजिट पर गए थे। जब ये विजिट पर गए तो इन्होंने देखा कि वहां पर एसी नहीं है और बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। इन्हें ये महसूस हुआ कि जल्द से जल्द यहाँ पर एसी लगवा देनी चाहिए। इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखा, इन्होंने पाया कि अभी एसी लगने में डिले हो सकता है, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही एसी लगवा दूं। इन्होंने अपने हॉल के और अपने निजी कमरे के दो दो एसी, यानी कि चार एसी पोषण पुनर्वास केंद्र में लगवा दिए। सोमवंशी साहब से जब पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक आम नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों को ये लगे कि कलेक्टर भी आम होता है। मुझे एसी की जरूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा एसी की जरूरत इन पोषण पुनर्वास केंद्र के बच्चों को है, जो पहले से तो बीमार हैं ही, और अगर गर्मी से ये बेहाल होते हैं तो इनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। सोमवंशी साहब के इस जवाब ने सबका दिल जीत लिया और सारे लोग ये कामना करने लगे कि हर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोमवंशी साहब की जैसा हो। अपने चार एसी को पोषण पुनर्वास केंद्र में दे देना ये कोई छोटी बात नहीं है। सोमवंशी साहब ने जो किया है ये वाकई में दिखाता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। सोचिए उन बच्चों के माता पिता के बारे में जो वहां गर्मी में बैठकर अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। उन माता पिता से बढ़कर उन बच्चों के बारे में सोचिए जो एक तो पहले से कुपोषित हैं और उसके बाद इस प्रचंड गर्मी का सामना करके उनका जीवन कैसे बीत रहा होगा। लेकिन एक मसीहा की तरह सोमवंशी साहब आए और एक ऐसा परिचय देकर गए कि सारे लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। ये एक ऐसा सकारात्मक खबर है जो आपको जरूर जानना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24x7 एंटरटेनमेंट, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।